नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टैक्सीफेन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, टैक्सीफेन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और टैक्सीफेन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि टैक्सीफेन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। टैक्सीफेन एक ब्रांड नेम है। टैक्सीफेन टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन टर्बिनाफाइन 250 mg होता है। टैक्सीफेन टैबलेट एक फंगल दवा है। टैक्सीफेन टैबलेट का उपयोग त्वचा पर या नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है। त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन होने पर त्वचा पर रेड या सफेद रंग के धब्बे होना, त्वचा पर खुजली व जलन होना, त्वचा पर रैशेस होना, त्वचा पर दाद होना, त्वचा का पपड़ी बनकर उतरना, त्वचा में जख्म होना और त्वचा का कुछ हिस्सा सफेद व नरम होना आदि लक्षण फंगल इन्फेक्शन होने पर दिखाई देने लगते हैं। फंगल इन्फेक्शन नाखूनों, मुंह और जांघों में भी हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में टैक्सीफेन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में टैक्सीफेन टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द होना, दस्त होना, त्वचा पर रैशेस होना, त्वचा पर खुजली होना, लिवर में सूजन होना, मुंह का स्वाद खराब होना, उल्टी आने का मन होना, पेट दर्द होना और पेट से गैस निकलना आदि साइड इफेक्ट्स टैक्सीफेन टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक टैक्सीफेन टैबलेट को लेने से लिवर डैमेज भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि टैक्सीफेन टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। टैक्सीफेन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर टैक्सीफेन 250 mg टैबलेट को दिन में एक बार ही लेने की सलाह देते हैं। टैक्सीफेन टैबलेट को डॉक्टर 6 सप्ताह से लेकर 12 सप्ताह तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं। टैक्सीफेन टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको टैक्सीफेन टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि टैक्सीफेन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। टैक्सीफेन टैबलेट को लंबे समय तक लेने से, यानी लगातार एक साल या उससे अधिक समय तक लेने से मुंह का स्वाद और शरीर की सूंघने की क्षमता स्थायी रूप से डैमेज हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को टैक्सीफेन टैबलेट को लेते समय मुंह का स्वाद और शरीर की सूंघने की क्षमता ज्यादा प्रभावित होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को टैक्सीफेन टैबलेट को डॉक्टर से सलाह लेकर तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लिवर की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि टैक्सीफेन टैबलेट लिवर की समस्याओं को ज्यादा गंभीर बना सकती है। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि टैक्सीफेन टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, इसलिए ज्यादातर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को टैक्सीफेन टैबलेट को न लेने की ही सलाह देते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को टैक्सीफेन टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका टैक्सीफेन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।